नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ Redmi Note 8 की अनबॉक्सिंग। तो चलिए इसके बॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोन हमारा 4 GB रैम के साथ 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसके अलावा इसमें एक और वेरिएंट आता है जो 6 GB 128 GB रोम के साथ आता है। और इस बॉक्स के पीछे इसके कुछ फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं। इसका सबसे बड़ा फीचर है 48 MP का क्वाड कैमरा। इसके अलावा इसके साथ 18 W का फास्ट चार्जर दिया गया है इस बॉक्स के अंदर, और इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और जो स्मार्टफोन मेरे हाथ में देख रहे हैं, उसका कलर मूनलाइट वाइट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके अलावा ये फ़ोन स्पेस ब्लैक, नेपचिन ब्लू और कॉस्मिक पर्पल में भी उपलब्ध है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं टेक दूत। तो सबसे पहले जो देखने को हमें मिलता है ये एनवेलप। इसके अंदर हमें सिम इजेक्टर पिन मिल जाता है और इसके अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो चलिए इन्हें साइड में रख देते हैं। इसके बाद हमें ये इसका बैक कवर मिल जाता है जो कि दिखने में तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। इसके बाद हमारे पास ये फ़ोन कुछ इस तरीके का मिल जाता है। इसे भी हम बाद में नज़र डालेंगे इसके ऊपर, तो ये भी हम साइड में रख देते हैं। और इसके बाद हमें ये चार्जिंग और डेटा सिंकिंग केबल मिल जाती है जो कि सी टाइप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिर हमें ये चार्जर मिल जाता है जो कि 18 W का फास्ट चार्जर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी इसका जो आउटपुट है वो लगभग हमें 3 टाइप में मिल जाता है, 5 V 3 A और 9 V 2 A और 12 V 1.5 A। तो चलिए ये तो थे इसके बॉक्स कंटेंट। तो चलिए इस फ़ोन पर नज़र डाल लेते हैं। ये फ़ोन कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसकी फिज़िकल बिल्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं। सामने की तरफ हमें डॉट नॉच के साथ 6.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है। डॉट नॉच के अंदर ही हमें ये 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। इसके ऊपर हमें ये ईयर पीस दिया गया है और ऊपर की तरफ इसमें हमें सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया गया है और ये इंफ्रारेड सेंसर दिया गया है जिससे कि हम इस फ़ोन को एक रिमोट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें आपको 3.5 mm जैक दिया गया है। ये प्राइमरी माइक्रोफोन है, ये आपका सी टाइप चार्जिंग डेटा सिंकिंग पोर्ट है और ये आपका स्पीकर ग्रिल है। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सिम ट्रे मिल जाती है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है। इसमें हमें डुअल नैनो सिम के साथ साथ एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है। राइट हैंड साइड पर ये वॉल्यूम, ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं और ये आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। और चलिए पीछे की तरफ नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ 48 MP का क्वाड कैमरा दिखने को मिल जाता है। इसमें ये ऊपर जो कैमरा है ये 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और ये 40 MP की ये मेन यूनिट कैमरा है हमारा, और ये 2 MP का मैक्रो सेंसर कैमरा है और ये 2 MP का हमारा डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। और ये हमें सेंटर में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है, इसे हम आपको बाद में चेक करके बताएंगे। तो और नीचे की तरफ आपको ये रेडमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये। तो ये तो था इसका फिज़िकल ओवरव्यू। तो चलिए हम इसे फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 10 मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड पाई पर बेस्ड है। तो चलिए अबाउट फ़ोन में जाकर कुछ इसकी टेक्निकल फीचर्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक इसमें अपडेट भी आ गया है, शायद ये MIUI 11 का अपडेट है। तो जी बिल्कुल, ये MIUI वर्जन 11 का अपडेट भी आ गया है इसमें। तो चलिए अपडेट ऑन कर देते हैं और बाकी आपको बैक होके बताते हैं। एंड्रॉयड वर्जन आपका पाई है 9 और सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 सितंबर का आपको मिल जाता है इसमें। और आउट ऑफ द बॉक्स ये देखिए 10.3.3 MIUI वर्जन है और इसमें हमें जो प्रोसेसर दिया गया है 665 स्नैपड्रैगन का, वो हमारा क्लॉक करता है 2.01 GHz पर
ऑक्टाकोर प्रोसेसर है ये, और इसमें जो रैम उपलब्ध है अभी 4GB दिखा रहा है। इंटरनल स्टोरेज है हमें 64GB दिया गया है, जिसमें से हमें 46GB यूजेबल मिल जाता है। तो ये तो था इसका अबाउट फ़ोन। तो चलिए इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कन्फिगर कर लेते हैं। तो मैंने इसका फिंगरप्रिंट सेंसर कन्फिगर कर लिया है, तो चलिए देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। लॉक किया और टैप किया, लॉक किया टैप किया, तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी अच्छा है इसका। ये फ़ोन फीचर वाइज ऑलराउंडर फ़ोन है और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो चलिए इसका कवर लगा के देख लेते हैं ये किस तरीके से फिट होता है इसमें। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी तरीके से फिट हो जाना चाहिए। तो ये फिट हो गया है, इसका कवर बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ है। और नीचे की तरफ ये चार्जिंग पोर्ट को भी इसके ऊपर एक छोटा सा ये कवर दिया गया है, जिससे डस्ट वगैरह और मॉइस्चर वगैरह से इसका बचाव किया जा सके। अगर गलती से ये फ़ोन गिर भी जाता है तो ये इसका कवर इसका बचाव आराम से कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन से थोड़ा सा उभरा हुआ है इधर भी, और ये जो कैमरा बम्प है इसके ऊपर भी इधर से उभरा हुआ है, जिससे कि आपका कैमरा बम्प नीचे सरफेस में टच नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कवर दिया गया है। तो ये तो था हमारा इस फ़ोन Redmi Note 8 का ओवरव्यू। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक दूत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।